धौलपुर की पावन धरा पर अनेक सिद्ध पुरुष अवतरित हुए हैं, जिनमें से एक हैं बाबा विशनगिरी। तो आज हम आ गए हैं बाबा विशनगिरी के धाम पर। ये जो स्थान है, ये ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत वर्ष में टेंपल ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो बाड़ी से लगभग 6 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है, विशनगिरी धाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहीं से ये जो सकड़ा सा रास्ता है जो कि हमें उस मंदिर तक ले जाएगा जहाँ आज हम जाने वाले हैं, ये आप देख सकते हो, ये मुख्य द्वार यहाँ पर बना हुआ है। आज के इस वीडियो में दर्शन करेंगे बाबा विशनगिरी के और इस पूरे धाम को एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ बाबा के जो चमत्कार हैं या बाबा की जो कहानी है उसको जानेंगे समझेंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा विशनगिरी के दरबार में और दर्शन करते हैं बाबा के, और साथ ही यहाँ के जो महात्मा लोग हैं उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे जानते हैं बाबा विशनगिरी की कहानी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाबा का जो दरबार है पूरा का पूरा श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये एक लोहे की चिमनी है और इसके भीतर एक अलाव जलता रहता है। पूरी जो चिमनी है वो लोहे की बनी हुई है, इस अलाव से ये चिमनी गर्म होती है। दीवारें हैं उससे कपड़े की सहायता से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो अपने फोड़े, कैंसर या इस तरह किसी भी जो चर्म रोग होते हैं उनकी सिकाई करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो बाबा का त्रिशूल लगा हुआ है इस चिमनी के ठीक ऊपर, और इसी में से जो राख होती है उसको बाबा की भभूति के रूप में जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है। न महाराज जी, न बाबा के बारे में न बताएंगे आप? महाराज कैंसर हो गई थी जी महाराज, तो बाबा ने द्वारों से कहा कि बेटा हमें थोड़ा भोजन करा दो, तो वो गाँव में गए आसपास के में, खाना ला के दिया, उनको खाना खिलाया। उन्होंने खाना खाने के बाद कहते मैं तो यहाँ पे समाधि लूँगा बेटा, तो बाबा ने यहाँ समाधि ले ली। उसी दिन से यहाँ पे स्थापित हो गए। इन्होंने कहा कि मेरे समाधि लेने के बाद यदि कोई आ जाए यहाँ पे, क्योंकि उनको कैंसर का फोड़ा था, तो उन्होंने कहा कोई कैंसर का या कोई उठना को कोई भी मरीज आ जाए, फोड़ा पूछी कुछ भी हो, मेरे नाम से भभूत डाल देना वो अच्छा होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर भवन यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है, और ये पूरा जो भी भवन है वो यहाँ पे जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं जो ठीक हो जाते हैं उनके दान वगैरह का जो पैसा आता है उसी से इसको तैयार करवाया गया है। और भवन में आप चारों तरफ देख सकते हैं अनेक श्रद्धालु, अनेक पीड़ित लोग आए हुए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कैंसर जैसी बीमारी भी बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो जाती है। दूर दूर से जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके रहने के लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर सुबह और शाम दोनों वक्त लंगर चलता है, जिसमें जो श्रद्धालु लोग होते हैं उनको निशुल्क भोजन करवाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो भोजन का समय दिया गया है 10 बजे से 12:30 बजे तक, और शाम को 8 बजे से रात्रि
10 बजे तक आपको थोड़ा सा यहाँ की जो व्यवस्था है उनको भी दिखा देते हैं, किस तरह से भोजन तैयार किया जाता है। काफ़ी बड़ा प्रांगण है ये, जहाँ पर बैठ के श्रद्धालु लोग भोजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बेंच और मेज कुर्सियों की व्यवस्था है, साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ा कूलर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये एक वाटर कूलर भी है। इधर एक तरफ रसोई घर है, जहाँ पर भोजन की जो व्यवस्था है वो करी जा रही है। बाबा थे ये, वैसे कानों से बहरे थे, कम सुनते थे, इसलिए इनको बहरा बाबा भी कहा जाता है और विष्णुगिरी बाबा इनका नाम है। यहाँ की इमारतों में अलग ही कशिश है।